Hello class, welcome back. Class, today the very important topic which we are going to start, and the conic section is going on. Circle we have finished, and class conic section में पहले मैं आपको define कर रहा हूँ what is conic section, ठीक है? कुछ definitions हैं. तो class actually आप parabola से आप इन definitions को और बहुत क्लियर वे में इसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे. तो मैंने पहले इसको यहाँ पर डिफाइन किया है इन डेफिनेशंस को, इन टर्म्स को, और इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पैराबोला, ठीक है? और सर्किल के कुछ क्वेश्चन भी हम ट्राई करेंगे, बट इस टॉपिक के पैराबोला के बाद. ओके, तो क्लास देखिए, यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन किया है व्हाट इज कॉनिक सेक्शन. पहले होता क्या है, तो क्लास कॉनिक सेक्शन क्या है? कॉनिक सेक्शन एक लोकस है, कुछ एक पॉइंट का लोकस है. वो पॉइंट कुछ एक रूल से गवर्न हो रहा है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सर्किल फॉर्म हो रहा है, तो मैंने लिखा था सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. इट इज कॉल्ड सेंटर, सॉरी इट इज कॉल्ड सर्किल, एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेडियस. तो एक रूल होता है, एक पॉइंट पी जब मूव करता है किसी एक प्लेन पर, एक रूल को गवर्न करते हुए, रूल्स और रूल्स, एक वन रूल भी हो सकता है, मोर देन वन रूल भी हो सकते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए जब एक पॉइंट पी मूव करता है तो एक हमको फाइनल फिगर देता है, ठीक है? तो वो जो पॉइंट्स मिल रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ लोकस, वो आपका लोकस है. लोकस आप समझते होंगे, लोकस का मीनिंग होता है लोकेशन, ठीक है? कि उस पी पॉइंट की लोकेशन क्या है इस अकॉर्डिंग टू सम रूल और रूल्स, ठीक है? तो यहां पर क्लास मैंने मेंशन किया है कॉनिक सेक्शन इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे. अब किस वे से वो मूव कर रहा है, क्या उसका रूल है, दैट अब यहां पर क्लास मैंने मेंशन किया है, दैट यहां से रूल स्टार्ट हो रहा है. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज बियर अ कॉन्स्टेंट रेशियो फ्रॉम टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन. देखिए क्लास, कॉनिक सेक्शन के अंदर दो चीजें, एक है फिक्स पॉइंट, एक है फिक्स लाइन. फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन के बीच में एक पॉइंट कहीं पर पी है, ठीक है? एक्स कॉमा वाई एक वेरिएबल पॉइंट है जो मूव कर रहा है. और ये जो अभी मैं क्लास का फिगर भी हम ड्रॉ करेंगे, तो ये जो इसकी डिस्टेंस है, जो इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो है, ठीक है, वो एक कॉन्स्टेंट रेशियो में पॉइंट पी आपका मूव कर रहा है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन, ठीक है? जैसे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं क्लास, क्लास देखिए, ये हमारी फिक्स लाइन है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स. ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और आपका ये एक फिक्स पॉइंट हो गया पॉइंट एस, ये आपका फोकस हो गया. तो ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है. मैंने एक पॉइंट यहां पर ले लिया पी, ये आपका एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है? अब आपने इसको ज्वाइन किया एस से, आपने यहां पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये कहां से परपेंडिकुलर है. तो ये जो पॉइंट पी, ये आप पॉइंट ले लीजिए डी, जहां पर डायरेक्ट्रिक्स से मिल रहा है, ये फिक्स लाइन है, ये आपका एस, दैट इज फोकस. तो ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, अब ये पॉइंट पी, तो मैंने इसमें लिखा हुआ है विच बेयर अ कॉन्स्टेंट रेशियो टू द डिस्टेंस ऑफ टू द फ्रॉम अ फिक्स लाइन. तो एक कॉन्स्टेंट रेशियो में, कॉन्स्टेंट रेशियो में पॉइंट पी आपका मूव कर रहा है और डिफरेंट डिफरेंट फिगर ड्रॉ कर रहा है. उस फिगर, वो जो फिगर हमको मिल रहे हैं, वो फिगर आपके होंगे पैरा, वो फिगर आप, उस फिगर को आप बोलोगे कॉनिक सेक्शन. अब यहां पर हमको थ्री फिगर्स मिले हैं, फोर फिगर मिले हैं, आपका सर्किल है, पैराबोला है, ठीक है ना, एलिप्स है, हाइपरबोला है, ठीक है? तो क्लास आपको इन ये जो पॉइंट्स मिले हैं, ये जो आपको क्लास यहाँ पर जो हमको फोर फिगर मिले हैं, अब इसमें सर्किल है, हाइपरबोला है, एलिप है एंड पैराबोला है, ठीक है? तो अब उसके इन चारों केसेस में ये जो इसका रेशियो है वो डिफरेंट डिफरेंट है. जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं फॉर पैराबोला, पैराबोला में इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है ना, इन दोनों डिस्टेंस पैराबोला में इक्वल है. मतलब ये जो आपका एसपी है, और यूजुअली इस पॉइंट को हम एम लेते हैं, वैसे तो हम इसमें भी एम ले रहे हैं, SP is equal to PM. अब ये रूल फॉलो करेगा, ये रूल फॉलो होगा पैराबोला के लिए. तो इसको अगर आप इसको रेशियो में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा SP upon PM is equal to 1. दोनों इक्वल है, कैंसिल होके 1 आएगा. तो ये एक आपका कांस्टेंट रेशियो बना ना 1. तो दिस इज फॉर
और आप इस रेशियो को अभी मैं आगे डेफिनेशन करने जा रहा हूं, मैं अभी और डेफिनेशन आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसपी अपॉन पीएम का जो रेशियो होता है वो इज इक्वल टू, उसको आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब इस ये जो कांस्टेंट रेशियो आ रहा है, इस कांस्टेंट को आप एक ई टर्म आता है, एक ई को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी कॉनिक सेक्शन में, वो इसके इक्वल होता है। और पैराबोला के लिए इस ई की वैल्यू ऑलवेज वन होती है। क्लास क्लियर हो रहा है? इस डिस्टेंस, इस रेशियो को आप ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पैराबोला में ई की वैल्यू वन है। ठीक, अब इसमें कुछ और टर्म्स हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है ऑल बिगिन अ सेम प्लेन, मतलब ये जो आपका फिक्स लाइन है, फिक्स पॉइंट है, पॉइंट पी, ये सब एक ही लिंग में, एक ही प्लेन में सब चीजें आपकी मूव हो रही हैं और प्रेजेंट हैं और एक डिफरेंट डिफरेंट कोण्स बना रहे हैं, कोण सेक्शन बन रहे हैं। अब कुछ क्लास यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट यहाँ पर रखे है, इस लिस्ट को आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज फोकस, फोकस का फिक्स पॉइंट इज अ फोकस, मतलब जो पॉइंट आपको एक्स मिल रहा है इट इज फोकस। ठीक, नेक्स्ट डायरेक्ट्रिक्स, अ फिक्स लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स, ओके इट इज अ फिक्स लाइन। एंड इसेंट्रिसिटी, अ कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी, इट इज डिनोटेड बाय ई। तो ये जो कौन सा रेशियो, रेशियो बट कौन सा, तो जिस रेशियो के बारे में बात यहां हो रही थी वही रेशियो आपका यहां पर है। एसपी अपॉन पीएम का जो रेशियो बनता है उसको आप ई बोलते हो, तो उस रेशियो को आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इसेंट्रिसिटी। ठीक, और वो जो आपके फोर कॉनिक सेक्शन है, सर्कल, सर्कल के लिए जीरो, पैराबोला के लिए वन, इलिप के लिए ई की वैल्यू लेस देन वन होगी, हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू मोर देन वन होगी। ब्रिस क्लास आपको फोर्थ पॉइंट्स लर्न करना है जो मैं अभी यहां पे नोट करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्लास एक्सिस, व्हाट इज एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। अब एक यहां पर हम लाइन अगर ड्रॉ कर लें, ये लाइन फोकस से पास हो रही है और परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर है, तो आप इस लाइन को बोलेंगे एक्सिस, ये आपका हो गया एक्सिस। ठीक है, एस फोकस है, पॉइंट पी वेरिएबल पॉइंट है, ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये आपकी एक्सिस हो गया, इसको आप बोलोगे डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पॉइंट आ रहा है वर्टेक्स, वर्टेक्स का अभी कोई भी आपका, कोई भी एक आपका कोण, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा कि एक आपका, ये एक आपका कोई कॉनिक सेक्शन है। ठीक, अब ये कॉनिक सेक्शन वर्टेक्स पे जिस पॉइंट पे मिलेगा, इस पॉइंट को आप बोलोगे ये जो कॉनिक सेक्शन एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट को आप बोलोगे वर्टेक्स। तो यहां पर ये पॉइंट आपका हो गया वर्टेक्स और ये जो फिगर बन रहा है ये आपका ये आपका पैराबोला है, अभी हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेंटर क्या होता है, सेंटर आप जो कॉनिक सेक्शन ड्रॉ करते हैं उस कॉनिक सेक्शन के अंदर आप जब कॉर्ड्स बनाते हैं तो जहां कॉर्ड बाइसेक्ट होती है, ठीक है, उस पॉइंट को आप बोलते हो कॉनिक सेक्शन। जैसे एक सेंटर है आपका, अब सॉरी सर्किल, सर्किल आपका क्या है, ये कॉनिक सेक्शन है। ठीक है, तो ये आपने कॉर्ड्स बनाई, ये कॉर्ड्स हुई, ये कॉर्ड्स बनी, अब कॉर्ड आपकी यहां पर हाफ हो रही, बाइसेक्ट हो रही, तो इस पॉइंट को आप बोलेंगे सेंटर। ठीक है, ऐसे इलिप में भी होता है, ऐसे इलिप में भी होता है, इलिप आपका ऐसे बनता है, एक ही कॉर्ड पे कॉर्ड बनाई, यहां पर हाफ हो रहा है, यहां पर कॉर्ड बनाई, यहां हाफ हो रहा है, तो इस पॉइंट को आप बोलोगे सेंटर। क्लियर? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप देखिए आगे, और ये कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बाउंड रीजन ही में है, आप उसमें ड्रॉ करेंगे तो जहां पर भी कोई भी आप ऐसी कॉर्ड ड्रॉ कर लें, ठीक है, वो जहां पर वो उसको हाफ कर दे, मतलब दोनों चीजें, दोनों कॉर्ड आपस में बाइसेक्ट हो जाए, तो उसको आप बोलोगे सेंटर। नेक्स्ट आपका आता है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है क्लास, फोकस पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर, क्लास मैं इसको एरेज कर रहा हूं यहां से क्योंकि मैं, मुझे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है यहां पर। देखिए अब वो आप इस कॉनिक सेक्शन को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए, ये हो गया, और क्या करेंगे, देखिए एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे जो फोकस से पास होगी और एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी। अब ये एक लाइन ही बल्कि कॉर्ड है, अ कॉर्ड पासेस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दैट इज कॉल्ड लेटस, इसको आप बोलते हो लेटस रेक्टम। क्लियर, इसको आप बोलेंगे लेटस रेक्टम। प्लस पहले आपको फिगरेटिकली थ्योरेटिकली दोनों वे से,
डायग्राम उसका, उसके फिगर और उसकी डेफिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इन टर्म्स को ही हम बार बार यूज करेंगे। आप इसकी इक्वेशन फाइंड करेंगे, लेटस रेक्टर की इक्वेशन फाइंड करेंगे, पॉइंट फोकस एस आपका फोकस, इसको हम फाइंड करेंगे, वर्टिक्स फाइंड करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स नोन होगा, डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ कोनिक फाइंड करेंगे। तो पहले जो चीजें हम लोग फाइंड आउट, जिस पर हम लोग वर्क करेंगे, हमारा पूरा कोनिक सेक्शन के अंदर हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, पहले हमको ये नोन होना चाहिए कि ये पॉइंट्स क्या है, इनकी फिगर्स कहाँ लाई कर रहे हैं, ये फिगर्स किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, ये फिगर किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, कैसे होगा, कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, वो एक्सिस से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है ना, वर्टिक्स कहाँ पर है, पॉइंट पी कहाँ है, एस कहाँ पर है, लेटस रेक्टम कहाँ पर है, सेंटर क्या है, राइट। तो इन टर्म्स को पहले मुझे पता है, एसेंट्रिसिटी क्या है। अब इसके बाद क्लास में एक और नोट लिख रहा हूँ, देखिए क्लास में इसको नोट कर लीजिए, एक यहाँ पर है, नोट में एक हम पॉइंट दे रहे हैं, वो नोट में ये है, अगर इफ ई की वैल्यू आप क्या मिले, अगर ई की वैल्यू जीरो है तो कोनिक सेक्शन क्या मिलेगा, तो कोनिक सेक्शन क्लास में नेक्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, तो इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए, ये फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू रिपीट माई फिर से अगेन सी माई रेडियो वीडियो, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप प्लीज इसको आप लर्न कर लीजिए। नाउ क्लास सी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप प्लीज नोट करें, नोट डाउन दीज पॉइंट्स, इफ ई इज इक्वल टू वन द कॉनिक is obtained as parabola, ठीक है, ये आपको बनेगा parabola, यहां पर e की value 1 होगी। next point है class, if e is less than 1 the conic obtained is ellipse, next अगर e की value more than 1 है the conic is obtained is hyperbola, और अगर आपकी e की वैल्यू जीरो है क्लास, ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा इज अ सर्किल, ये चार पॉइंट होते हैं क्लास, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमको लिखना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कोनिक सेक्शन को आप कैसे, उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप यहां नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी इज गिवन। आप देखेंगे यहाँ पर एसेंट्रिसिटी से फोकस और डायरेक्ट्रिक्स किस तरह से रिलेट होती है इक्वेशन, ठीक है। देखिए मैं फिर से सेम फिगर ड्रॉ करूंगा क्लास, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है और जिसकी इक्वेशन हम लेट कर रहे हैं यहां पर ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये पॉइंट आपका एक एस पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने ले लिया एच कॉमा के, आपको फोकस हो गया, ये पॉइंट यहीं पर पी है आपका एक्स कॉमा वाई, आपने इसको ज्वाइन किया, ये पॉइंट आपका एम, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन ऑफ कोनिक कैसे फाउंड होती है, आप लिखेंगे एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, इट इज द इक्वेशन ऑफ, यहां से आपको मिलेगी इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन एस पी इक्वल टू ई पी एम। आप एस पी पे जाकर, एस पी क्या डिस्टेंस है, तो आप एस पी पे इस पॉइंट को आप ले लीजिए एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब यहां पर एस पी में लिख देता हूं अलग अलग, व्हाट इज एस पी, एस पी आप यहां यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये आपको हो जाएगा एच डैश माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस के का होल स्क्वायर, इज वेरी सिंपल थिंग क्लास, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है। और जो आपका पी एम होगा, पी एम क्या होगा, पी एम आपका होगा ए एक्स डैश बी वाई डैश प्लस सी ऑफ मॉड अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लासिक में दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पर प्लेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ जब आप प्लेस करके जब उसके बाद आप लोग फाइंड आउट करेंगे, तो एक आपको
एक जनरल इक्वेशन फॉर्म होती है कोनिक सेक्शन की, एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई टू जी एक्स टू एफ टू एफ एफ प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन फॉर्म होती है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें एक हम उस फॉर्म में अपनी एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं और फिर उसके बाद निकला उसके अंदर पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस से हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर इस कंडीशन पे पैराबोला बनेगा, इस कंडीशन सर्किल बनेगा, इस कंडीशन पे जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा। ठीक है, तो वो चीजें भी एक अलग कंडीशन है अपना हमको स्टडी करना है यहाँ पर। मैं एक्चुअली पैराबोला पर आना चाह रहा हूँ। तो पैराबोला पे क्या करेंगे, अब पैराबोला के लिए हम यहाँ पर ई की वैल्यू को वन ले लेंगे। ठीक है, तो क्लास इसके बाद आप लिखिए फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर हम पैराबोला की बात करें क्लास, तो लिखिए फॉर पैराबोला। क्लास पैराबोला के लिए आप यहां पर जो है इसमें लिखेंगे एसपी इज इक्वल पी एम। ठीक है, यहां पर ई की वैल्यू वन है, इट इज फॉर पैराबोला। अब यहां पर एसपी की मीनिंग वही है पीएम की वैल्यू जो मैंने जस्ट प्रीवियस लिखी। ठीक है, जो एसपी पीएम की वैल्यू मैंने आपको बताई वो आपके एसपी और पीएम की वैल्यू होगी इक्वल टू वन हो गया। यहां से जो आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी ये जनरल इक्वेशन फॉर्म होगी किसके लिए, पैराबोला के लिए। ठीक है ना, पैराबोला की जो फॉर पैराबोला, पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन फॉर्म होगी क्लास वो यहां पर फॉर्म होगी। जबकि आपको क्या गिवन है, एसेंट्रिसिटी गिवन है जिसकी वैल्यू 1 है, फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। बट अब हमें क्या स्टडी करना है, अब यहां इसके बाद हम लोग क्लास को आप प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला के, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम जाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे जाने के लिए हमको अपने पैराबोला को एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पर फिक्स करना है और उसके अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करना है। क्लास इज नोट डाउन। आप देखिए हमारा मेन पॉइंट है कि हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्लास देखिए, इसके लिए हमें ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, वाई डैश ओरिजिन और ये वाई है एक्स एंड एक्स डैश। ठीक क्लास क्लियर। अब यहां पर हमें जो हम ये आपका सेंटर है 0.0 और यहां से हम जब एक पैराबोला ड्रॉ, यहां पर हम जो फोकस हम कहीं पर यहां पर लेंगे फोकस आपका यहां लेंगे तो ये होगा 1.0। आपने एक पॉइंट ले लिया ऐसे 1.0। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर एक हम फिगर जो हमको मिलेगा वही फिगर आपको मिलेगा पैराबोला का और यहां पर एक पॉइंट आप लेंगे पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और क्लास जो हमारा वर्टिक्स होता है इसमें, तो जो वर्टिक्स होता है ये मिड पॉइंट होता है फोकस का और डायरेक्ट्रिक्स का। ठीक है, तो आप यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स, तो जितनी इस वर्टिक्स से जितना दूर फोकस होगा उतनी दूर यहां से डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो अगर ये ए है, ठीक है, तो ये भी ये पॉइंट आपका होगा माइनस है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई। ठीक है, और थोड़ा सा बेटर ये पॉइंट भी का आप यहां पर ले लें, अंडरस्टैंडेबल हो गई। या आपका पीएस पॉइंट पी पॉइंट आपका हो गया, इसको आपने ज्वाइन किया, आपने इसको ज्वाइन किया। देखिए क्लास कॉन्सेप्ट भी कहता है कि डेफिनेशन है कि जो एसपी की वैल्यू होगी वो पीएम से क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना, फिगर में आपको नहीं शो हो रहा बट यहां पर दोनों के डिस्टेंस आप इक्वल लेंगे पैराबोला के लिए। तो अब क्लास यहां पर आप क्या लिखेंगे, एसपी इज इक्वल टू पीएम। ठीक है, एसपी की आप वैल्यू निकाल लीजिए, एसपी की वैल्यू होगी या हम यही लिख लेते हैं, एसपी की वैल्यू है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है और ये आपका पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है। अब हम पहले पीएम कैसे फाइंड करेंगे, पीएम की वैल्यू होगी एक्स प्लस ए अपॉन रूट
एक्स का एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ खाली एक्स ही है ना, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वन को स्क्वायर, दैट इज वन आएगा। ठीक है, तो अब इसके हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इधर आपको हो जाएगा एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, वन का स्क्वायर वन हो गया। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जो हमको इक्वेशन फॉर्म होगी ये पैराबोला की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टू एक्स ए। ठीक है, यहां पर आप देखिए एक्स और ए कैंसिल, वाई स्क्वायर इज इक्वल आ रहा है फोर एक्स ए। ठीक है, या फोर ए जो भी आप बोले। क्लास ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। अब इसके अकॉर्डिंग ये हमारा रूल था। ठीक है ना, यहां पर हमने ई की वैल्यू वन ली थी एसेंट्रिसिटी में, और सिंपल हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया। क्लास जितने भी इक्वेशन हमारी फॉर्म होंगी पूरे चैप्टर में, जहां पर भी आपको इक्वेशन ऑफ कोनिक फाइंड करना है, आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और कोनिक सेक्शन आपको आ जाएगा। दो चीजों की हमें जरूरत है, वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। हमें दो चीजें पता होना चाहिए हम, और ई, तीन चीजें, ई की वैल्यू, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। इन तीनों से हम इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके क्लास, क्लियर।